An air capacitor is charged with an amount of charge Q and dipped into an oil tank. ठीक है भाई. If the oil is pumped out and the electric field between the plates of capacitor will be. तो चलिए समझते हैं क्या है. पहले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, ठीक है. फिर उसके बाद चार्ज करने के बाद उसको ऑयल में डिप किया गया, है ना. एयर कैपेसिटर को चार्ज किया और उसमें क्यू था भाई, है ना. प्लस 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 माइनस 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 यहां पे था. ऑयल में डिप कर दिया इसको और फिर उसका ऑयल बाहर निकाल लिया गया. तो ऑयल बाहर निकालने की वजह से क्या होगा, देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑयल के साथ थी तो 1/4 pi epsilon naught के वाली रहेगी, है ना, Q1 Q/r² वाली. और जब ऑयल हटा दिया गया तो केवल 1/4 pi epsilon naught ही रहेगी, Q/r² वाली रहेगी. तो ये विद ऑयल है और ये विदाउट ऑयल है. तो जब ऑयल के साथ थी तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रही होगी और जब ऑयल हट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो गई होगी. भाई के हट गया तो ये वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो उस केस में हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 20 इस वाले का मैं नंबर नहीं बोलना चाहता हूं क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीजेस.